हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कसा काय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों, आज के मेरे वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं अबाउट एन अमेजिंग ऑडियो अपग्रेड जो हम करने वाले हैं इन दिस जर्मन मशीन फोक्स वैगन वेंटो ओवर हियर। दोस्तों, ये गाड़ी आई है राइट फ्रॉम तिरुपति, दैट इज़ अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश। वहाँ पर कस्टमर ने ऑलरेडी कंपनी के स्पीकर्स निकाल कर वहाँ पर गाड़ी में डाले हैं जेल ऑडियो के C2 कॉम्पोनेंट्स विद अ जेल ऑडियो एम्पलीफायर। बट एंड ऑफ द डे द काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन जो गाड़ी में हुआ है, मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। आज आप एक अच्छी प्रोडक्ट भी डालते हो बट अगर उसका इंस्टॉलेशन तरीके से नहीं होता है, अगर उसके साथ वो डैम्पिंग प्रॉपर नहीं होता है, उसके साथ वो ट्यूनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती है, सो द इफेक्ट इज गोइंग टू बी पैथेटिक फ्रेंड्स। कितना भी अच्छा स्पीकर क्यों ना हो, चाहे वो ऑडिसन का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, राइट नाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू रिमूव दिस एंटायर सेटअप एंड उसके जगह पे द काइंड ऑफ न्यू सेटअप वी आर गोइंग टू गेट इन, यू विल बी अमेज सीइंग द डिफरेंस। तो आप लोग को डिफरेंस पता कैसा चलेगा, मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ द काइंड ऑफ अपग्रेड दिस कस्टमर हैज़ गॉट इट डन एट तिरुपति फर्स्ट, एंड देन मैं आप लोग को बताऊंगा द काइंड ऑफ अपग्रेडेशन वी आर बेसिकली डन ओवर हियर। तो आइए गाड़ी के अंदर पहले सुनेंगे द एग्जिस्टिंग सेटअप इस गाड़ी के अंदर किस तरीके से है एंड इज इट वर्थ और नॉट। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बेसिकली सुनाने वाला हूँ अ काइंड ऑफ ऑडियो जिस तरीके से इस गाड़ी में ऑलरेडी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कंपनी सिस्टम नहीं है, इट इज़ एन एंड्रॉइड प्लेयर विच इज़ बीन इंस्टॉल्ड इन दिस। यहाँ पर आप स्पीकर्स देख सकते हो चेंज करके जेल ऑडियो के कॉम्पोनेंट C2 डाले हुए है, एंड दीज आर नॉट इवन द बेसिक कॉम्पोनेंट, दीज आर द सेकंड मॉडल इन जेल ऑडियो। जेल ऑडियो का ही एम्प लगा हुआ है बट काइंड ऑफ ट्यूनिंग जिस तरीके से करी गई है, इंस्टॉलेशन जिस तरीके से हुआ है, इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 बैड। तो यू कैन सी ओवर हियर, मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर इसको प्रॉपर रीसेट करने वाला हूँ। सो आप लोग को मैं कोई मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला हूँ, दिस इज़ द रीसेट सेटिंग। बट स्टिल अभी जब मैं यहाँ पर प्ले करने वाला हूँ, यू कैन सी द काइंड ऑफ डिफरेंस, यू नो काइंड ऑफ जारिंग इफेक्ट इन दिस यू नो सेम ऑडियो सेटअप। जस्ट लिसन टू इट फ्रेंड्स। Can you hear that jarring sound, bhai? भाई सॉरी, मैं इससे ज़्यादा सुन नहीं सकता हूँ इस गाड़ी का, बिकॉज लिटरली द काइंड ऑफ स्पीकर्स द वे दे आर जारिंग इन दिस कार ओवर हियर, इट इज़ एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल। तो कस्टमर अभी हमारे पास आए हैं टू बेसिकली रिमूव दिस एंटायर सेटअप, एंड इन प्लेस ऑफ दैट हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं बाय द ऑडिसन सेटअप। मैं अब आपको मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा बेसिकली द काइंड ऑफ स्पीकर्स एंड द वूफर, द एम्पलीफायर एंड द प्रोसेसर वी आर इंस्टॉलिंग इन दिस कार। दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ द काइंड ऑफ अपग्रेडेशन हम इस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स के साथ कर रहे हैं। हम इस गाड़ी के अंदर चार डोर में चार ऑडिसन के ये कॉम्पोनेंट्स डाल रहे हैं। दोस्तों, दिस इज द प्राइमा प्रो सीरीज विच इज 345 वॉट्स कॉम्पोनेंट। चार डोर में चार कंपोनेंट्स आने वाले हैं। इसका जो क्लैरिटी है, इसकी जो वोकल्स है, इसका जो एक शार्पनेस है साउंड में, इट इज़ ब्यूटीफुल। मतलब लिटरली मज़ा आ जाता है दोस्तों। बट ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर जो ये ब्लॉपंग का टच स्क्रीन लगा है, दैट सिस्टम कैन नॉट टेक लोड ऑफ दी स्पीकर्स डायरेक्टली। अगर मैं वो सिस्टम के साथ ये स्पीकर डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा, एक लोकल 10,000 स्पीकर के जैसा भी नहीं बजेगा ये। तो हम बेसिकली ये स्पीकर्स को सिस्टम के कनेक्ट करने वाले थ्रू दिस 4-चैनल एम्पलीफायर जो ये गाड़ी के अंदर कस्टमर के ऑलरेडी लगा हुआ था। मैंने आप लोग को बताया था जैसा ये गाड़ी तिरुपति पर ऑलरेडी फिटिंग होकर आई है मेरे पास, तो वी बेसिकली डिडंट वांट टू जस्ट रिमूव एवरीथिंग आउट ऑफ द कार। कुछ हम जो यूज़ कर सकते थे, वी आर बेसिकली रीयूजिंग देम परफेक्टली। तो हम इस गाड़ी के अंदर जो 4-चैनल एम्प है गाड़ी का रिटेन करने वाले हैं। इस 4-चैनल एम्प को ये चार स्पीकर से कनेक्ट करेंगे, तो जिस तरीके से साउंड एम्पलीफाई होगा, जिस तरीके से आउटपुट आएगा गाड़ी में, द वोकल्स व्हाट यू वुड गेट, इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। बट दोस्तों, सिर्फ वोकल्स बढ़ाने से मज़ा नहीं आता है म्यूज़िक का, राइट? तो हम बेसिकली इस गाड़ी के अंदर दे रहे हैं एक अमेजिंग सबवूफर बाय द सेम ऑडिसन सीरीज। दोस्तों, आप देख सकते हो दिस इज द एक्टिव सबवूफर विच यू विल बी सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो हम इस गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। दिस इज़ अ वूफर विच इज़ गॉट एन इनबिल्ट एम्पलीफायर ओवर हियर। आपको अलग से कोई एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों, इसका जो विथ भी है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, एकदम शैलो माउंट एक्टिव वूफर है। ये डिक्की में हमारे बैठ जाएगा, पतला सा वूफर है, बट द काइंड ऑफ बेस इट वुड हिट, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग।
दोस्तों 800 वॉट आरएमएस का वूफर है ये। आज कोई भी वूफर हम आज देखते हैं, सोनी, पाइनी, जेबीएल, ब्लॉपंग, कैनवो, डालपाइन, जेवीसी, एनी ब्रांड, दे आर ऑल हैविंग अ मैक्सिमम आरएमएस ऑफ 450 वॉट्स, दैट्स इट। ये एक ऐसा सब वूफर है विच हैज गॉट 800 वॉट आरएमएस, दैट इज अ रेटेड पावर, पीक पावर नहीं बोल रहा हूँ, रेटेड पावर, तो अमेजिंग सा परफॉर्मेंस देगा। बट ऑब्वियसली बात है, जब हम ये कनेक्शंस देंगे तो जो सिस्टम से आउटपुट आएगा, इट इज़ गोइंग टू बेसिकली स्कैटर एंड सेंड अक्रॉस द सेम फ्रीक्वेंसी टू द स्पीकर, सेम फ्रीक्वेंसी टू द वूफर। हम बेसिकली इसे और भी ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करने वाले हैं बाई एडिंग दिस बिट 10 प्रोसेसर। दोस्तों ये एक प्रोसेसर है जो गाड़ी के अंदर फिल्टर करेगा साउंड, एंड बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज बेस के होते हैं वो स्पीकर्स में जाने से कट डाउन करेगा, जो फ्रीक्वेंसीज वोकल के होते हैं वो वूफर में जाने से कट डाउन करेगा। तो इन शॉर्ट स्पीकर को वही फ्रीक्वेंसी जाएगी जो उसे जाना चाहिए, दैट इज़ द वोकल्स, एंड वूफर को वही फ्रीक्वेंसी जाएगी जो उसे जाना चाहिए, दैट इज़ द बेस। इन शॉर्ट गाड़ी के अंदर जिस तरीके से ट्यून होने वाला है हर चीज़ एक दूसरे के साथ, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। आई एम बेसिकली एक्साइटेड अ लॉट टू शो यू द एंड रिजल्ट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, गाड़ी के अंदर फुल कार डैम्पिंग कर रहे हैं हम बाई मेगा ऑडियो, जिसके बारे में मैं आपको मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे बेसिकली इस गाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द डैम्पिंग ऑफ द कार। भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, डैम्पिंग इज नथिंग बट साउंड प्रूफिंग इन योर होम थिएटर सिस्टम। अगर आप बेस्ट से बेस्ट एकोस्टिक्स भी लगाओ, अगर आप प्रॉपर डैम्पिंग उसे नहीं करोगे तो वो जो बेस स्पीकर या वूफर प्ले करेगा, इट वोंट बी अ बेस एनीमोर, इट विल बिकम मोर ऑफ दैट रैटलिंग साउंड। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, जो बहुत ही ज़्यादा फिर मतलब इरिटेट करेगा आपके कानों को। सो बेसिकली साउंड प्रूफिंग करना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ अ गुड ऑडियो प्ले। तो दोस्तों हम इस गाड़ी के अंदर जो डैम्पिंग कर रहे हैं, सिर्फ डोर्स में ही नहीं, बट यू कैन बेसिकली सी ओवर योर पूरा फ्लोर एरिया को डैम्पिंग करा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पूरा डिक्की एरिया भी डैम्पिंग में हम लोग ने पूरी तरीके से कर दिया है। जस्ट हैव अ लुक एट द वर्कमैनशिप वी हैव डन इन दिस फ्रेंड्स। हर एक कॉर्नर टू कॉर्नर आपको जितना एरिया है वो पूरा एरिया कवर हो रहा है। नॉट ओनली योर बूट एरिया, इफ एट ऑल यू सी द डोर्स, वी हैव डन अ प्रॉपर डबल डैम्पिंग ऑन द डोर्स एज वेल। सो द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस ओवर हियर, देयर इज अ स्पीकर्स एंड ऑल हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, हो चुका है, फ्लोर डैम्पिंग चालू है। आप एक बार अगर रूफ़ को देखोगे तो रूफ़ एरिया भी पूरी तरीके से डैम्पिंग हो चुकी है। तो जिस तरीके से साउंड को एब्जॉर्ब करेगा ये, द काइंड ऑफ वाइब्रेशंस वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस, यू वुड गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड आफ्टर द वर्क इज़ टोटली डन, हम इसका इफेक्ट सुनेंगे यू नो एक अलग ही अंदाज में आज। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये गाड़ी आई है तिरुपति से टू गेट इटसेल्फ द बेस्ट इन क्लास ऑडियो सेटअप, एंड क्योंकि हमें वर्क इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी ओवर हियर, वी आर स्ट्राइविंग हार्ड बेसिकली टुडे टू cater and you know serve you guys with the best service we can provide. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर already 10:30 हो रहा है, but still the work is still in progress. पूरी स्टाफ अभी भी लगी हुई है to get those things packed up. You can see things are coming in picture. You can see the bit 10 processor already been fitted over there properly. वहाँ पर आप देख सकते हो jail audio का 4-channel amp already बैठ चुका है वहाँ पर। The wiring is all naked right now because obviously baat hai, the things are still not completed. They are getting in shape. Halka halka time lagega. Main aap logo iska woofer batana chahta hoon. Aaj doston, aaj 800 watt RMS woofer. Wo sunte hi aap log ke dimag mein aata hoga ki bhai kitna bada bulky woofer hoga. Well, let me just show you guys. That is it. This is the 800 watt RMS subwoofer, friends. जो हम इसके बूट में डाल रहे हैं, जस्ट लुक हाउ स्लीक इज़ द मॉडल। खाली बस इतना सा ही सबवूफर, एंड दिस इज 800 वॉट्स। जिस तरीके से ये बेस थ्रो करेगा, जिस तरीके से आउटपुट आएगा, आई नो मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा वेट करा रहा हूँ, बट नेक्स्ट सेगमेंट में फॉर श्योर पूरा काम होने के बाद वी विल बी बेसिकली लिसनिंग टू द अमेजिंग ऑडियो। तो दोस्तों राइट नाउ वी आर इन द एंड ऑफ दिस अमेजिंग सेटअप, and the most important part right now, that is basically the tuning of these speakers and the subwoofer जो हमने डाला है। दोस्तों इसका जो tuning का जो मज़ा है, इसकी जो results आपको दिखाई देते हैं, it is beautiful, and मैं आप लोग को basically ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे right now, if you come closer, this is basically the software जहाँ पर हमारी ये पूरी tuning होती है। आप देख सकते हो my front left speaker, right rear left, rear light and the subwoofer, they are all basically selected over here perfectly. हमने हर एक चैनल को एक 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 स्पीकर से दे दिया है। राइट नाउ वी विल बी बेसिकली फर्स्ट सेटिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम ओवर देयर टू 80% ग्रूव। आप देख सकते हो गाड़ी का जो हाईएस्ट सिस्टम का वॉल्यूम है 40 है,
तो 80% ऑफ दैट विल बी 32. तो हम बेसिकली 32 को एक वॉल्यूम एक ऑप्टिमल रखते हुए ये ट्यूनिंग करेंगे ताकि कस्टमर को यू नो ही कैन लिसन एट अ सॉफ्टर टोन ऑल्सो. मैं वही गाना बजाऊंगा जो आप लोग को सुबह बेसिकली बताया था दोस्तों, वही और सुबह जो बजाए थे हमने वही गाना बजाएंगे. प्रोसेसर में जरा वॉल्यूम बढ़ाएंगे. तो दोस्तों अभी मैं बेसिकली आप लोग को बताऊंगा कि मैं ये मतलब यू नो वॉल्यूम पे हाउ एम आई बेसिकली गोइंग टू फिल्टर आउट द साउंड. तो एक बार वॉल्यूम कम कर देंगे. यहाँ पे हम यहाँ पर सामने के स्पीकर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली मैं ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसे बेसिकली इधर फिल्टर करने वाला हूँ. दैट इज जो स्पीकर्स में से जो वोकल्स वगैरह आना चाहिए सिर्फ वही आएंगे और जो बेस के फ्रीक्वेंसीज है वो पूरे कट डाउन कर दूंगा. सो दैट इज बेसिकली वॉट आई विल बी डूइंग ओवर हियर. एंड उसके अलावा ध्रुव एक बार वी विल बी कंसिडरिंग फ्रेंड्स ओवर हियर द ड्राइविंग पोजिशन दिस एज द सेंटर एंड वो स्पीकर का जो डिस्टेंस है हम वो भी एंटर करेंगे ताकि जो डीले होता है बेसिकली मतलब यू नो व्हेन अ पर्सन इज हियरिंग द म्यूजिक द बेस जब आता है और वोकल जब आता है जब इट इज़ नॉट दैट कि सब एक साथ आ जाते हैं तो वो हम डीले इसमें ऐड करेंगे. तो ध्रुव व्हाट इज द डिस्टेंस यू कैन बेसिकली सी सो 47 इंचेस इट इज फ्रेंड्स. तो मैं यहाँ पर इधर एज इट इज 47 इंचेस बस डिस्टेंस सेट कर रहा हूँ. एंड पीछे के स्पीकर्स कितने रहेंगे ध्रुव? ओके तो पीछे के स्पीकर्स भी दोस्तों इट इज द सेम अराउंड 47 इंचेस ओवर हियर. तो आप देख सकते हो बेसिकली तो यहाँ पर डीले ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है दोस्तों. एंड राइट नाउ यू कैन बेसिकली सी कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है दैट इज मेरे जो सबवूफर के फ्रीक्वेंसीज है ये जो स्टार्टिंग के चार ये पूरे डमी हो चुके हैं. मैं इधर कुछ भी बढ़ा रहा हूँ तो इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा वूफर में. दैट इज बिकॉज ये डमी है पूरी तरीके से. एंड नाउ सेम वेज हम अभी वूफर को कॉन्फिगर करेंगे. हमारा जो वूफर होता है बेसिकली होता है लो पास. ओके तो अब यहाँ पर द डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके रखा था दोस्तों दैट इज 67. That is from the center point to the woofer over here. So it is being calculated and accordingly मैं यहाँ पर इसे कट ऑफ कर दूंगा to 12 steep. And अब आप इसका इफेक्ट सुनिए फ्रेंड्स. Let me just do a little tuning of my own over here. Speakers वगैरह की भी थोड़ी बहुत जो एक जो professional एक इफेक्ट आता है. Let me just get that for you guys. It's going to be an amazing setup, friends. You guys are going to love it, trust me. So now basically we have filtered down the entire setup. Jo speakers se vocal aa rahe hai friends, it is the only speakers vocal. जो बेस आ रहा है मुझे सिर्फ वूफर से आ रहा है, स्पीकर से बेस आ ही नहीं रहा है. सो दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ ट्यूनिंग हमें जो चाहिए आज एक इफेक्ट लाने के लिए. एंड नाउ आई विल जस्ट शो यू द रिजल्ट आफ्टर ट्यूनिंग. जस्ट लिसन. एक परसेंट जारी नहीं है, एक परसेंट भी नहीं. मतलब जिस तरीके से ये सेटअप अभी बज रहा है और जो पहले सुबह बज रहा था, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से ऑडिसन इट इज एक्चुअली वर्ल्ड्स नंबर वन सेटअप. क्योंकि इसका जो इफेक्ट है उसका जो बेस आ रहा है मुझे अमेजिंग. मोर ओवर फ्रेंड्स हमें ये सेटअप के साथ आपको मिलेगा एक प्रॉपर बास ट्यूनर, बास कंट्रोलर. तो अगर मैं मेरे पेरेंट्स के साथ हूँ जहाँ मुझे बेस कम चाहिए मैं ये कंट्रोलर के थ्रू पूरा कम कर सकता हूँ. एंड देयर इज द वूफर इज ऑफ. तो दोस्तों अब ये पूरा सेटअप हो चुका है कंप्लीट. एंड अब आपको मैं सुनाऊंगा
दिस सॉन्ग जैसे आप लोग को फील करना है खाली, उसके वोकल्स, उसका बेस, हर चीज़, एंड आप लोग तब जज करने की कोशिश करिए हमने जो मेहनत करी है वर्थ है या नहीं. क्योंकि दोस्तों आई एम वेरी श्योर स्पीकर्स कैन नेवर बेसिकली गिव यू दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट, वो फील ऑब्वियसली, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आर हार्ड एंड बेस्ट टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डिफरेंस वी आर मेकिंग. तो आइए मुझे फ़ोन दे दीजिए अभी एंड आई विल मेक यू लिसन ओवर हियर. अगर ये म्यूजिक ऐसे ही चलता रहा तो ये वीडियो कभी खत्म होगा ही नहीं. क्योंकि जिस तरीके से इस गाड़ी के अंदर आउटपुट आ रहा है, जिस तरीके से इस गाड़ी के अंदर वोकल्स और बेस सिंक्रोनाइज आ रहे हैं, सॉर्टेड वोकल्स, सॉर्टेड बेस, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ बेस्ट म्यूजिक अपग्रेड, आज तक मैंने कभी कोई सेटअप में सुना नहीं है फ्रेंड्स. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, माई टीम हैज ट्राइड माई बेस्ट टू बेसिकली यू नो सेटिस्फाई द कस्टमर ओवर हियर, एंड ट्रस्ट मी द कस्टमर इज ओवरवेल्म्ड. हमने ट्राई किया है आप लोग को इस वीडियो के थ्रू समझाने के लिए कि किस टाइप का डिफरेंस एक खाली ट्यूनिंग फिटिंग बनाता है. खाली प्रोडक्ट सेम हो जाने से, सेम यू नो इंस्टॉलेशन हो जाने से आपको वो सेम इफेक्ट आना ज़रूरी नहीं है. द वायरिंग व्हाट वी यूज, द काइंड ऑफ ट्यूनिंग व्हाट वी डू मेक्स द मेजर डिफरेंस. द डैम्पिंग आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस बनाता है. तो दोस्तों अगर आप लोग को भी हमारा ये काम पसंद आया हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द लाइक बटन डाउन देयर. चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है, बट कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर का ये इफेक्ट कैसा लगा. एंड अगर आप चाहते हो आपकी भी कार एक्सेसराइज हो, ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप इन टू कार सोनिक्स ओवर हियर एट मिनिस्टर रोड ऑन हैदराबाद एंड वी कैन गेट योर कार गोइंग टू. थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.